I will, am and will be. One woman, man, तुम समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रही हो? आप कियारा को मुझसे छीन लेंगे? ये सोच रही हो तुम मेरे बारे में? मुझसे बदला लेने के लिए? तुम पागल हो गई हो? ऐसा करके मैं बदला तो ले लूंगा लेकिन मुझे कियारा नहीं मिलेगी। तुम ही सोचो ना, जब कियारा को पता चलेगा कि मैंने उसे उसकी माँ से अलग किया, नफरत करने लगे क्यों मुझसे? मुझे दोनों चाहिए, हम तीनों चाहिए, तीनों की फैमिली, और सबसे ज्यादा तो मुझे तुम चाहिए ना। तुम तो मेन थी, कियारा तो ऐड हो गई ना। तुम साथ में होगी तो हम 10 कियारा पैदा करेंगे तुम्हारे परमिशन से। तुम मान क्यों नहीं रही हो मेरी बात को यार? शुरुआत चाहिए तो यहां से कर लेंगे। ब्लिक कर दे तू, तुम्हें मैं ब्लिक कर देता हूँ। आप मुझसे दोबारा शादी करो, पुराना सब कुछ भुला के नई शुरुआत करनी होगी, पुराने सभी यादों को मिटाकर नई यादें बनाएंगे। प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए। हाय, मैं वारी जाऊं? इतना सोना रोमांटिक प्रपोजल मैंने आज तक नहीं देखा। इतना रोमांटिक कि मुझे अपनी उम्र 30 साल कम लग रही है। मेरा भी मन कर रहा है कि मैं घर जाकर अपने पति को ऐसे ही प्रपोज करूं, मुझसे दोबारा शादी कर ले। प्लीज प्लीज हम शादी कर लेते हैं, प्लीज। शादी बाद में कर लेंगे, पहले यहाँ से निकलते हैं ना। नहीं, आज कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ हो गया तो मुझे आपसे शादी करनी है। हम यही कर लेते हैं। आइडिया अच्छा है। शादी यहाँ कैसे कर सकते हैं? अग्नि की बजाय मुझे साक्षी मानकर फेरे ले लो, हर फेरे पे एक कसम, बस हो गई शादी। बैरिकेड्स का मतलब नहीं समझते, इसके आगे नहीं जा सकते आप। सर मुझे सब पता है, बैरिकेड्स बैरिकेड्स, पर मेरी वाइफ अंदर है, या तो उसे ले आए या तो मुझे जाने दीजिए सर, प्लीज। जैसा कि आप देख सकते हैं, मिस्टर किंग सिंह भी यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने खुद कहा है कि उनकी फैमिली भी अंदर आतंकवादियों के बीच फंसी हुई है। सर क्या आपने कहा कि आपकी फैमिली अंदर फंसी हुई है और आप उन्हें बचाने के लिए अंदर को जाना चाहते हैं? सर मतलब आप पुलिस के काम से खुश नहीं है क्या? पहले से नो क्वेश्चंस राइट नाउ, गिव मी सम इंफॉर्मेशन। आई डोंट नो कि अंदर लिसन जस्ट गेट नो माय वाइफ इज स्टक, प्लीज लेट मी गो इनसाइड। किंग चाची, चाची आप रो क्यों रहे हैं? देखिए आप मत घबराइए, प्रज्ञा को मैं लेके आऊंगा। आई प्रॉमिस, आप घर जाइए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ मैं क्यों रो रही हूँ। चलो चलो यहाँ से। मैं तुम्हारी दादी नानी जैसी हूँ और शादी में तो बड़ों का आशीर्वाद चाहिए ना, और आशीर्वाद भी ऐसा जो तुम्हें चाहिए कि शादी के बाद तुम्हारे पास एक नहीं 10-11 हो। चलो शुरू हो जाओ, मैं इंटरनेट से मोबाइल पे शादी के मंत्र लगाती हूँ, ऑनलाइन सब कुछ मिलता है। लेकिन वो लोग सुन लेंगे। मैं वॉल्यूम कम रखूंगी। चलो चलो पकड़ो हाथ, पकड़ो ना। ओए, रुक! ताकि भागो ऐसे।
हे भगवान, इन बच्चों की रक्षा करना। तो यहाँ छुपी है हा? चल छोड़ो। अरे चल छोड़ो। चल बस कीजिए चाची, आप कब से प्रज्ञा के खिलाफ मेरा दिमाग भरे जा रही है। मैंने आपको कितनी बार कहा कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। आपको सात लोगों का गेम खेलना है। आ रही आपकी बहू कुछ दिनों खेलते रहिए जी भर के। खेल मैंने खेल रही, खेल तुम खेल रहे हो अपनी जिंदगी के साथ, वो भी आग बंद करके। आज मिताली ने साफ साफ बोल दिया कि दोनों एक दूसरे को सालों से जानते, दोनों पति पत्नी थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते। कुछ बोलो। नहीं सुनना है मुझे। एक और बार आपने ये बात कही ना, सच में मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी चाची। चाची हो तुम्हारी, और उसी बात का रिश्ता निभा रही हो। तुम्हारी सौतेली माँ नहीं हो कि तुम्हारी जिंदगी अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए यूं देख लूं। देखो ठीक, मेरा काम है तुम्हें सच्चाई बताना, उसके बाद मानना या ना मानना तुम्हारा काम है। आज तुम जितना भरोसा प्रज्ञा पर करते हो ना, उसका 1% भी मेरे ऊपर कर देना तो तुम्हारी जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं होती। चाची मेरी जिंदगी और कोई नहीं बल्कि आप ही बर्बाद कर रहे हो। बार बार मुझे प्रज्ञा के खिलाफ भड़का के ये मेरी जिंदगी बर्बाद करना ही है। किसी ने सही कहा है, हम वही सुनना चाहते हैं जो हमें सुनने में अच्छा लगता है। पर अच्छा सुनने में और सच सुनने में फर्क होता है। किंग आपके लिए अच्छा ये है कि प्रज्ञा आपके पास वापस आ जाए, लेकिन सच ये है कि प्रज्ञा आपके पास नहीं, मेरे भाई अभिषेक प्रेम मेहरा के पास जाएगी। आपके लिए अच्छा ये है कि प्रज्ञा आपसे प्यार करे, लेकिन सच ये है कि प्रज्ञा आपसे नहीं, मेरे भाई अभिषेक प्रेम मेहरा से प्यार करती है, सालों से करती जा रही है, और कियारा इस बात का प्रूफ है, उनके प्यार के निशाने। कियारा और प्रज्ञा दोनों आपकी लाइफ से चली जाएंगे और वापस मेरे भाई की लाइफ में आ जाएंगे। आई विश कि इट वुड हैव बीन द अदर वे अराउंड, लेकिन सच्चाई तो यही है मिस्टर किंग। एंड आई विश कि आप अपनी चाची की बात पहले सुन लेते तो शायद इतना बुरा ना लगता आज। इसका मतलब प्रज्ञा और अभिषेक? जी हाँ, उनकी बहन खुद अपनी आंखों के सामने उनके फेरे होते हुए देखे हैं। अभी ने मुझे छोड़ के उससे शादी की थी, वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ। सॉरी चाची, आप रोएंगे तो मैं भी रो दूंगा। आई एम सो सॉरी चाची, मुझे लगा आप नए मिले थे प्रज्ञा से, आपको शायद प्रज्ञा पसंद नहीं आई इसलिए उसकी बुराई करते थे मेरे सामने ताकि मैं उसके खिलाफ हो जाऊं। बट आई एम सो सॉरी चाची, बट आई एम हैप्पी फॉर हर। देखिए मुझे हमेशा ये लगता था ना कि प्रज्ञा ने अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा, इसलिए जब भी आप उसके बारे में कुछ अनाप शनाप कहते थे मुझे गुस्सा आता था और मैं उसे प्रोटेक्ट करता था। लेकिन तुम दोनों की ये सारी बातें सुनने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि प्रज्ञा ने ये सारी बातें आज तक मुझे क्यों नहीं बताई। मैंने कभी उसके साथ कोई कंडीशंस नहीं रखे, मैंने अपनी लाइफ उसके सामने एकदम प्ले किताब की तरह रखी, देन व्हाई डिड शी नॉट। पर ठीक है चाची, इट्स गुड, उसे अपने मुंबई वाला मिल गया। मुंबई वाला? लीव इट, अब उससे क्या फर्क पड़ता है। अच्छी बात तो ये है कि उससे अपना पहला वाला हस्बैंड मिल गया। नाउ एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। अभी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप घर जाइए, मैं जल्दी घर आता हूँ। थैंक यू। सर अब इन टेररिस्ट से बात करने का वक्त आ गया है, फोन लगाओ टेररिस्ट को। इस उम्र में इतनी बहादुरी दिखा रही है बढ़िया। इस उम्र में बहादुरी का इनाम नहीं, परिणाम भुगतना पड़ता है। सर लाइन लगी। बहुत देर कर दी फोन करने में इंस्पेक्टर। खैर देर आए दुरुस्त आए, पुलिस वालों को तो आना ही होता है, जहां तुम जैसे लोग वहां हम। अब सुन, ये फोन मैंने इसलिए किया है, मैं तुझे पकड़ने अंदर आऊंगा। मान गया तो ठीक, वरना गोलियां चलाऊंगा। तेरा और तेरे साथियों का सीधा एनकाउंटर, तुझे मिलेगी कुत्ते की मौत और मुझे मेडल। SMS जोक करना था तो SMS कर देता, फोन करने की क्या जरूरत, मुझे एनकाउंटर करने की धमकी दे रहा है। काम तो तूने बहुत बहादुरी का किया है। चल नाम तो बता तेरा। तू गए तो अंदर आकर इंट्रोडक्शन दे दूं,
कि मेरा नाम पी आर यादव है। इंस्पेक्टर पी आर यादव, अबे तेरे को तो मैं जानता हूँ। हरियाणा के सोनीपत में है ना तेरा घर, घर में बुढ़ी माँ, खूबसूरत बीवी और दो छोटे बच्चे। क्या हुआ इंस्पेक्टर, आवाज सुनाई नहीं दे रही है, डर गया क्या? डरूंगा तो काम कैसे करूंगा। और रही बात मेरी फैमिली की, तो अपने आदमियों को भेजकर देख ले वहाँ, तुझे पता चल जाएगा कि मैं ज्यादा बहादुर हूँ या मेरी फैमिली। एक भी आदमी अगर जिंदा लौट कर आया ना तो ये पुलिस की वर्दी आज ही उतार दूंगा। अब सुन, फाइनल मौका है तेरे पास, सरेंडर या एनकाउंटर। बहुत से लोगों की जान जाएगी, समझा? तुम आतंकवादी लोगों को मारने के बारे में सोचते हैं और हम पुलिस वाले लोगों को बचाने के बारे में। सर अब हमें अटैक करना चाहिए। तुम यहाँ ठहरो, मैं बैक साइड से जा रहा हूँ। ठीक है सर। अंदर मेरे साथ आओ। यस सर। तैयार हो जाओ। तुम फिर यहाँ आ गए? सर प्लीज, मेरी वाइफ अंदर है, आप समझ क्यों नहीं रही है? एक बार जाने दीजिए। ज्यादा तमाशा करने की जरूरत नहीं है, सुना है वो एक को अभिषेक मेहरा अंदर है, है? उसे बचाए तो या तुम्हें देखें, चलो जाओ यहाँ से। अभिषेक मेहरा का नाम सुनाई देता है? मेरी वाइफ अंदर है, ये सुनाई नहीं देते। पागल हो गया क्या? पुलिस से हाथ उठाएगा। जितनों को मदद कर सकता मैं करूंगा, आई प्रॉमिस। कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो आतंकवादियों की जगह पहले तुझे अंदर करेंगे। जाओ। साइलेंट कीजिए ना, साइलेंट नहीं कर सकते। फोन आ रहा है, उठा लूं क्या? हेलो, हेलो अभी तू प्रज्ञा के साथ मॉल में है ना? अरे नहीं, हम मॉल में नहीं है। किसने कहा आपसे ये बात? अभी झूठ मत बोल, वैसे ही हम लोग टेंशन में हैं। क्यारा और सनी ने हमको फोन करके सब कुछ बता दिया था कि प्रज्ञा टाई लेने के लिए गई और तू भी उसके साथ है मॉल में। अभी हमें सब पता है यार। हाँ आप सबको बताइए ना, आप सेफ है या नहीं प्लीज। हाँ मॉल में हम सेफ है, टेंशन मत लीजिए। शुक्र है परमात्मा का, मेरे बच्चे सुरक्षित है। ए बता दो कि मैंने तुम्हें सेट कर लिया, आई मीन हमारा पैचअप हो गया, बोल दूं? बता दीजिए। हेलो दासी, हम मेरी प्रज्ञा से बात हो गई है और हम दोनों साथ में घर आ रहे हैं, एक साथ। हाँ तो क्या बोला उसने? ओए वो दोनों वापस आ गए और तुम लोग यहाँ हंसी मस्ती कर रहे हो। दादी मैं और ये सेफ हैं, बहुत जल्दी घर पहुंच जाएंगे, मुहूर्त से पहले शादी कर। ये बात थी, सब ठीक है, वो लोग घर पहुंच रहे हैं। हाँ जब वो आ जाएंगे तब हम बात कर लेंगे। अच्छा अभी जल्दी बाहर आ जाओ, हम वेट कर रहे हैं। हाँ बेटे जल्दी आ जा। किंग खेल मैं नहीं खेलता, फिर तुम खेल रहे हो अपनी जिंदगी के साथ, वो भी आंख बंद करके। आज मिताली ने साफ साफ बोल दिया दोनों पति पत्नी थे। उनकी बहन खुद अपनी आंखों के सामने उनके फेरे होते हुए देखे हैं। अब हो गया है तो मुझे पता तुम दोनों यहीं पे हो, मैंने तुम्हें फोन पे बातें करते सुन लिया था। अपना काम कर लिया करो, सबकी बातें सुन करो, ले चलो जाने चलो, लेट्स गो। हाय मिल गए दोनों। बहुत परेशान किया है तूने। प्लीज प्लीज उन्हें मत मारना। क्यों क्यों ना मारूं? वो मेरे हस्बैंड, मेरे हस्बैंड, मेरे यहाँ हर कोई किसी ना किसी का पति है या फिर पत्नी है, सबको छोड़ दूं? तेरा अपना कोई परिवार होगा तो तू ऐसे ही करेगा ना, छोड़ दे इन्हें, ये एक दूसरे से दोबारा शादी करने वाले हैं। तुझे मारना है ना तो तू मुझे मार ले, पर इन्हें जाने दे।
गुड़िया तेरी उम्र कितनी बची है? तुझे जोर से धमकी दे दूंगा ना तू वहीं मर जाएगी। और वैसे भी किसी ना किसी को तो मारना ही पड़ेगा, वरना लोगों में मेरी दहशत कम नहीं हो जाएगी। इंसानियत का भी एक रिश्ता होता है। इन बच्चों से मिली तो पता चला कि इन्होंने जिंदगी में कितने दुख सहे हैं। अब इनकी खुशी एक दूसरे के साथ में है। मैं चाहती हूँ कि ये दोनों एक हो जाएं। और इन्हें मिलाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ेगी, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये चल क्या रहा है यहाँ पे? क्या फैमिली फैमिली खेल रहे हो यहाँ पे? तो एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार हो? एक ही फैमिली से हो क्या सब? प्रज्ञा तुम अभी के साथ रहना हमेशा, इसकी पत्नी बनकर कभी इसका साथ नहीं छोड़ना, इसका ख्याल रखना, इसको बहुत प्यार देना, देखना बदले में ये भी तुम्हें बहुत प्यार देगा। और फिर ऐसे ही हंसते खेलते प्यार से जिंदगी गुजर जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। राजा बहुत बोलता था ना जेल में फिल्म देखने को नहीं मिली, ये देख फैमिली ड्रामा वो भी बिना टिकट। अरे इनकी भी लव स्टोरी लिख ले, फिल्म बनाएगा ना बहुत हिट होगी। बहुत बनली तो झांसी की रानी, इसे एक खरोच भी आया ना साला चीर कर रख दूंगा तुझे। और तू एक इंच भी हिला ना तो मैं इसके दो पीस करने वाला हूँ। प्लीज प्लीज आगे मत आइए, तुम इनका कुछ नहीं कर सकते, इनका प्यार इनके साथ है, इनकी ताकत है। आई लव यू। यही टाइम मिला था। और आज मर गए तो इसकी बात कह दी तो मौत आसान हो जाएगी। ए, ये पॉजिटिव यार है ना। खुश रहो मेरे बच्चों, तुम हमेशा ऐसे ही एक दूसरे के साथ रहना प्यार से, भगवान तुम्हें सारी खुशियां दे। चले सब लोग आ गए। अभी और प्रज्ञा कहाँ है? दीदी सब्र रखो, वो लोग अभी आते ही होंगे।